न्यूक्लियर फैमिलीज दिखती हैं, उसकी मेन वजह कहाँ से शुरू होती है? हमारे टीवी सीरियल से। यही सिखाते हैं कि हमें अपना अलग घर चाहिए। ये कौन बात निकालता है घर में? जो टीवी सीरियल्स बनाते हैं सभी एडिटर से मेरा ये सवाल है कि वो ऐसे सीरियल बनाते ही क्यों हैं जिनमें किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं होती तथा वो आदर्श ही नहीं होता कि हम उसे ले कर चल सके। हमारे जो आज के सीरियल्स हैं जिनके नाम है लाइक पवित्र रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, छोटी बहू, इन सब सीरियल्स के नाम इतने प्यारे होते हैं, इन सब नामों में इतने आदर्श होते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या इन सीरियल्स में भी उतना आदर्श होता है? इन सीरियल्स को देख कर क्या हमें कोई प्रेरणा मिलती है हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ने की? मेरा सीधा सवाल जाता है प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आज तक लोकपाल पर चुप्पी साधी है, वो क्यों साधी है? मेरा सवाल अन्ना हजारे से है, क्या लोकपाल बिल आ जाने से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मैं सरकार से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि स्विट्जरलैंड में अरबों खरबों तक पैसे हैं, ब्लैक मनी के रूप में जमा है, और इंडिया में वो लाने के लिए उसका क्या कोशिश कर रहे हैं और वो कब तक आ जाएंगे? और मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ सर अन्ना हजारे से कि क्या बोलते लोकपाल बिल आने के बाद पूरी तरह से एकदम करप्शन मुक्त अपना भारत बन सकता है? सब नेताएं अगर अपने बारे में सोचते रहे तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आप जरा सोचिए। भ्रष्टाचार को हम आम जनता ही बढ़ावा देते हैं, क्या ये सब सही है? करप्शन के कारण हमारे देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम जनता को एक समय की रोटी जुटाने में बहुत मुश्किल होती है। सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी? ये कहा जा रहा है कि आप अन्ना हजारे के सपोर्ट में ना खड़े रहें। उन्होंने कुछ ऐसे भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सरकार के कुछ बंगलों यूज़ किए थे और इनकम टैक्स भी पे नहीं किया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है सरकार से कि जब ये क्वेश्चन मतलब नोटिस था उनके पास, तो उन्होंने वो 3 साल पहले क्यों नहीं भेजे? जब आज वो अन्ना हजारे के सपोर्ट में हैं, तो ही वे नोटिस क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पर आधा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि जन लोकपाल बिल होता क्या है। तो पहले वो अन्ना जी से मैं पूछना चाहूँगी कि पहले वो लोगों को बताएं कि जन लोकपाल बिल होता क्या है, उसके बाद अगर किसी को कुछ कहना है तो वो संसद में जाकर कुछ कहें। अन्ना जी से यही पूछना चाहते हैं कि आप राजनीति में क्यों नहीं आ जाते? लोकपाल के अनुसार इस दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाया गया है, पर मेरा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो क्या उन्हें इस दायरे में लाना क्या उनका अपमान नहीं है? जैसे कि जहाँ 4 आदमी काम करते हों और वहाँ पे एक व्यक्ति घूस ना लेता हो और 4 जन लेते हों तो वो व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि जहाँ 4 आदमी काम करते हों और वहाँ पे एक व्यक्ति घूस ना लेता हो और 4 जन लेते हो तो वो व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है, ऐसा क्यों हो रहा है?